1959 शरारत, मीना कुमारी, किशोर कुमार, शैलेंद्र, शंकर जय किशन, और इसमें किशोर दा के लिए रफी साहब ने एक बहुत ही हिट गाना गाया जिसके बोल है, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर मैं फॉरेन के न्यूज के बैनर तले आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज मेरे साथ मेरा मजलूम दोस्त बैठा है, मोहम्मद अनीस मोहम्मद इलियास शेख। ये रहने वाले हैं प्लॉट नंबर 154B, रूम नंबर 8, ग्राउंड फ्लोर 1BMC चौल, धारावी मेन रोड, चमड़ा बाजार, धारावी, मुंबई नंबर 17। ये अपने छोटे भाई के हाथों मजलूम है। ईयर 2018 से इनका छोटा भाई इन्हें हर तरीके से टॉर्चर कर रहा है, टेंशन दे रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है। जो इनका इलेक्ट्रिक मीटर था BST अंडरटेकिंग का, जो इनके फादर के नाम पे था, और ड्यूरिंग द पीरियड लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर, इनके छोटे भाई ने वो मीटर जो ग्राउंड फ्लोर पे था अपने नाम पे ट्रांसफर किया, मगर मीटर ट्रांसफर हुआ उसके नाम पे ग्राउंड फ्लोर का, और उसने जो लॉफ्ट पे फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ये पावर सप्लाई वहां लेके गया। और पिछले 3 सालों से मेरे दोस्त बिना लाइट के रह रहे हैं। इन्होंने हर जगह जाके गुहार लगाए, धारावी डिपो BST में जाके गुहार लगाए, इन्होंने नई मीटर के लिए एप्लीकेशन दिए कि इनको पावर सप्लाई मिले, जिसके ये मुस्तहिक है, मगर हमेशा छोटा भाई कहीं ना कहीं कंप्लेंट करके इनके इस काम को होने नहीं दिया। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे दोस्त से कहूंगा कि आप अपनी आप बीती व्यूवर्स को इन डिटेल्स में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनीस मोहम्मद इलियास शेख, धारावी मेन रोड, रूम नंबर 8, BMC चौल, 154B1 मैं रहता हूँ। मेरे फादर के से मेरे छोटे भाई मोहम्मद नफीस ने 2018 में लाइट की बिल अब बाप के नाम पे थी अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया और लाइन काट के उसने ऊपर ले लिया है। मैंने BST में जाके एप्लीकेशन भी दिया कि ठीक है ले लिया, कोई बात नहीं है, मुझे दे दिया जाए, लेकिन यह हर जगह कंप्लेंट वगैरह करके काम को रुका देता है और मैं अंधेरे में आज 3 साल से रह रहा हूँ और मेरा काम जो है ना ये होने नहीं दिया है। और BST के पास में जा के थक गया हूँ। और हर मेरे फादर मोहम्मद इलियास मोहम्मद अब्बास 2020 2 दिसंबर को इंतकाल हुआ उनका। 2018 में इसने चीटिंग बाजी से जाली कागज लगा के मीटर अपने नाम पे ले लिया, लेने के बाद में काट के इसने ऊपर ले लिया है। फिर मैं BST में गया कि सर मुझे दे दीजिए, मेरा अलग रहेगा। BST वाले बोले हाँ ठीक है हम दे देंगे, एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन भी 2 बार मैंने लगाया, लेकिन ये कंप्लेंट करके और काम रुकवा देता है। और मेरा काम अभी तक जो है ना हुआ नहीं। अब BST में जाओ तो बोलेंगे आपका घरेलू मीटर है तो आप कंप्रोमाइज करो, और अभी तक जो है ना मेरा काम हुआ नहीं है, रुका हुआ है। जब नफीस शेख जैसा भाई घर में है तो दुश्मन की क्या जरूरत। 2018 से रूम नंबर 8 का इलेक्ट्रिक मीटर अपने नाम पे ट्रांसफर करने के बाद इलीगल कनेक्शन लेके फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और बड़े भाई मोहम्मद अनीस शेख को हर तरीके से परेशान कर रहा है। हमने 1 नवंबर 2021 को एक रिटर्न कंप्लेंट डाले थे BST विथ अदर कंसर्न अथॉरिटीज को, ये उसकी कॉपी है, साथ में मेरा रिकमेंडेशन भी है। जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने फर्स्ट रिमाइंडर डाले 10 नवंबर 2021, ये उसकी कॉपी है, साथ में मेरा रिकमेंडेशन है। मगर हाल फिलहाल में धारावी डिपो से ऑफिसर्स आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए और उन्होंने नफीस को अपने डिपो में बुलाए, तो मैं लोकेश चंद्र जनरल मैनेजर ऑफ BST अंडरटेकिंग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब मेरा फ्रेंड क्लोज फ्रेंड
मोहम्मद अनीस शेख, ये इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉलेशन का पैसा भरने तैयार है, मंथली जो बिल आएगा वो भरने तैयार है, और इनकी जो प्रमाइसेस है ये लीगल है, ये बीएमसी स्टेट की प्रमाइसेस है, तो क्या वजह है धारावी डिपो इनके नाम पे इलेक्ट्रिक सप्लाई इंस्टॉलेशन नहीं दे रहा है, मीटर नहीं दे रहा है ग्राउंड फ्लोर नंबर 8 के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद और उसकी क्लिपिंग यकीनन मैं जीएम और बीएसएनएल टेक्निक को दूंगा, तो वो इस पे विचार करेंगे और धारावी डिपो को इंस्ट्रक्शन देंगे टू द कंसर्न अथॉरिटीज, डिविजन इंजीनियर, कस्टमर केयर, कि इमीडिएटली मेरे दोस्त मोहम्मद अनीस शेख के नाम पे मीटर इंस्टॉलेशन हो एट ग्राउंड फ्लोर नंबर 8। ये मेरी पुरमीत विथ जीएमओ बीएसटी अंडरटेकिंग के साथ है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।